शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं शिक्षा नगरी कोटा की, जहां मुख्यमंत्री बच्चनलाल शर्मा पहुंचे हैं कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। दरअसल आज कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र पर वो वहां के बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में सभाएं करते नजर आए, लोगों से संपर्क करते नजर आए और अब एक प्रोग्राम का हिस्सा बनते हुए मुख्यमंत्री बच्चनलाल शर्मा कोटा शहर में उनका जोरदार स्वागत किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें मंच की, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं उनके साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी मौजूद हैं और वहां बीजेपी के विधायक उनका स्वागत करते हुए और जनता की तरफ हाथ हिलाकर सभी से अभिवादन स्वीकार करते हुए बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखा गया है। कोटा की तस्वीरें, कोटा संसदीय क्षेत्र जिसने बीते चुनाव में देश को लोकसभा अध्यक्ष दिए, क्योंकि ओम बिरला देश के लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए और उनके नेतृत्व में नई संसद का निर्माण भी हुआ। इसके अलावा भी कई आयाम उन्होंने बकायदा लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए स्थापित किए, जैसे 95% लोकसभा सांसदों की भागीदारी उन्होंने संसद में सुनिश्चित की और उनके लिए कहा जाता है कि वो न सिर्फ विपक्ष की आवाज बल्कि सत्ता पक्ष को भी पूरा मौका देते हैं कि वो विपक्ष को सुने। मेरे सहयोगी भंवर जुड़ गए। भंवर, दरअसल बूथ कार्यकर्ता वो कड़ी है जो अगर एक्टिव हो गई तो मान लीजिए चुनाव के समीकरणों को बदलने की ताकत वो रखते हैं, क्योंकि वोट उन्हीं के जरिए डलवाए जाते हैं, उन्हीं के जरिए जनता से संपर्क किया जाता है। इस सम्मेलन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? तो भंवर को वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो इकाई वो बूथ कार्यकर्ता उनके साथ मुख्यमंत्री बच्चनलाल शर्मा संपर्क करते हुए उनको जाहिर है यहां संबोधित भी वो करेंगे। और कोटा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बीजेपी ना सिर्फ बूथ कार्यकर्ताओं के संपर्क में बल्कि इससे इतर वो कह सकते हैं कि पन्ना प्रमुख और अर्ध पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुकी है। भैया भैया, जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और मैं इनको प्रत्याशी नहीं मानती, मैं इनको सांसद मानती हूं। मानते हो या नहीं मानते हो, ये हमारे यहाँ के सांसद हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से, समर्थन से एक बार तीसरी बार आप लोगों की सेवा करें। वैसे ही हमारे ओम जी बिरला साहब, हमारे मोतीलाल जी, मीणा जी, हमारे मुकेश जी, दादी जी, संदीप जी, शर्मा जी, हमारी बहुत ही आपकी बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही मेहनती कल्पना देवी जी, राकेश जी, भवानी सिंह जी, अनुसुईया गोस्वामी जी, भूपेंद्र जी सैनी साहब, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पधारे हुए, सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति, क्योंकि मातृशक्ति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोग यहाँ आशीर्वाद देने पधारी हैं ओम जी बिरला साहब को, और जिनको शक्ति का आशीर्वाद होता है उनको कोई हरा नहीं सकता। पूरे विश्व की, पूरे कहीं की भी कोई भी ताकत कितनी कितना भी प्रयास कर ले, ये तो हमारे सांसद भी बनेंगे और भारी मतों से जीते। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये जो चुनाव है ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, ये राष्ट्रहित का चुनाव है। जिस मोदी ने आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत की, और ऐसा मुझे नहीं लगता एक भी व्यक्ति है पूरे देश में जो लाभार्थी नहीं है। मुझे लगता है सारे के सारे आप लोग लाभार्थी हैं कि नहीं है, सबने वैक्सीन ली कि नहीं ली, ली ना? और वो वैक्सीन आपको किसने दी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अगर वो वैक्सीन नहीं होती ना तो हम में से कोई नहीं बचता। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जो देश की रक्षा के लिए, हमारे सेना को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए रात दिन काम करते हैं और हर योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिला। आप सब लोग कार्यकर्ता और हम सभी की जिम्मेदारी है कि इस चुनाव में एक भी वोट भर
मतदान करना। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक सबका मत पड़ जाना चाहिए, सारे वोट हमारे डल जाने चाहिए, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। मैं तो आपको यही बड़ी खबर करूं।